हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता सक्सेना। यह है स्वीट ड्रीम किचन। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगोड़ी। इसके लिए मैंने आधा किलो दाल ली है मंगोड़ी की, और इसको हम 5-6 घंटे भिगो देंगे पानी में अच्छी तरह धो के, और फिर इसको चलनी में डाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। और हमको इसको पीसना है। ध्यान रहे कि बिल्कुल पानी नहीं डालना है, बिना पानी के पीसेंगे हम, और पल्स मोड पर करके पीसेंगे। चलाते रहेंगे बार बार तो पिस जाती है बिना पानी के भी। डालना चाहो तो आपको थोड़ा एक चम्मच डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसको हमको मिक्स दाल को पीस लेना है। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सब्जियाँ वैसे ही बहुत कम आती हैं, तो हम इसकी सब्जी आराम से, मंगोड़ी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। जैसे हम आलू मटर बनाते हैं, वैसे ही आलू मंगोड़ी बनाते हैं। बस हमको जो पहले मंगोड़ी है, इसको पहले हम थोड़ा एक चम्मच तेल डाल के थोड़ा इसको सोटे कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जैसे आलू मटर बनाते हैं वैसे ही सब्ज़ी बनाते हैं, इसकी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब ये हमें दाल पीस गई है, हम इसको सब इकट्ठा कर लेंगे एक भगोने में किसी खुले बर्तन में, और इसको हम अच्छी तरह फेंटेंगे, इतना फेंटेंगे कि एकदम से इसका ये फ्लफी हो जाएगी और इसका रंग चेंज हो जाएगा। और फिर हम इसको थोड़ा सा पानी में डाल के देख लेंगे कि पानी में ये तैर एकदम ऊपर से पानी में ऊपर डालते ऊपर तैर जाएगी। ये बिल्कुल तैयार है दाल मंगोड़ी बनाने के लिए। अब हम मंगोड़ी बनाएंगे। ये मैंने हाथ से मंगोड़ी बना रहे हैं। मैंने आगे कौन से मंगोड़ी बनाना बताया, और कौन आप कैसे भी बना सकते हैं। दूध की थैली का बना लें, या कोई प्लास्टिक की थैली हो, जैसे अपन मेहंदी कौन बनाते हैं वैसे ही बड़ा कौन बना लें। और कौन को गिलास में रख के दाल भर लें ऊपर से, और आराम से इसमें मंगोड़ी आप आराम से बना सकते हैं। और ऐसे ही हम सारी मंगोड़ी तोड़ लेंगे, बिल्कुल आसानी से ऐसे मंगोड़ी बन जाती है। अभी गर्मी है तो दो दिन मंगोड़ी सूख जाएगी। आप जब ये सूख जाए तो इसको आप किसी 8-8 कंटेनर में बंद करके रख दें, और ऐसे ही हम सारी मंगोड़ी तैयार कर लेंगे। और इसको हम सुखा के, और जब आपका मन करे आप बनाइए, खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।